किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, किसी भी ऐसे आसन में जिसमें आप अधिक समय तक बैठ सकें। आपका बैकबोन, कंधे और सर, ये तीनों सीधी रहे एक लाइन में। अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें, जिस भी मुद्रा में आप चाहें, और रीढ़ यानी बैकबोन को भी मुक्त और सीधा छोड़ दें। अब आंखें बंद करें, हम भगवान शिव की मानस पूजा करेंगे। पूसलार की तरह उन्हें अपने अंदर स्थापित करके कल्पना करें कि आप हिमालय की वादियों में हैं। हर तरफ पहाड़ हैं, हरियाली है और एक सुंदर झरना बह रहा है। यह नदी गंगा है जो साक्षात शंकर भगवान की जटाओं को स्पर्श करके आ रही है। आप उस झरने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को और बालों को हल्के से स्पर्श कर रही है। आप पानी में उतरते हैं, उस ठंडक को महसूस करें अपने पैरों में। पानी बर्फ सा ठंडा, धीरे धीरे आप इस झरने के नीचे जाते हैं। झरने से बह रहा क्रिस्टल जैसा साफ आपके सर के ऊपर से धीरे धीरे बहता हुआ शरीर के सभी तरह के तनाव, अशांति और पाप को अपने साथ बहा ले जा रहा है और आपके मन और शरीर को उन सबसे मुक्त कर रहा है। महसूस करें कि माँ गंगा का पवित्र जल आपकी गर्दन के नीचे, आपके कंधों के माध्यम से, आपके बाहों के माध्यम से बह रहा है। वो सुखदायक तरल नीचे की ओर बह रहा है, आपके छाती से और आपके पेट से और आपके श्रोणि पेल्विस के माध्यम से बह रहा है। वो ठंडक, वो ताजगी की अनुभूति नीचे की ओर आपके जांघों से होते हुए आपके घुटनों से आपके पैरों के तलवों तक और जैसे ही ये आपके पैरों की उंगलियों को छूता है, बस इसे बाहर बह जाने दें और जाने दें आपके सभी पापों को और टेंशन्स को और वासनाओं को अपने साथ लेके, और आप अपने आप को सभी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ इत्यादि वासना से पूरी तरह मुक्त महसूस करें। आप सभी पापों से मुक्त हो चुके हैं, इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं। कोई विचार नहीं है मन में, कोई लगाव या घृणा नहीं है,
बस अवेयरनेस है, शुद्ध चैतन्य है। इतना पवित्र आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया है। अब आप उस झरने से बाहर निकलते हैं तरोताजा होके। आपके हाथों में एक कमंडल है, एक लोटा, उसमें गंगा जल भर लें। अब आगे बढ़ें। सामने भूमि पे पूजा के सामग्री रखे हुए हैं और एक चादर है काले रंग का। उस पे पैर जाएं, कमंडल को एक तरफ रख दें और हाथ जोड़ लें। अब पूजा आरंभ करते हैं। रत्न कल्पितमासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमता मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम। आपके सामने स्वर्ण का बना एक आसन है और वो आसन तरह तरह के रत्नों से जड़ित है, बहुत ही सुंदर। और उस आसन पर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करने पशुपतिनाथ महादेव साक्षात अवतरित हो चुके हैं। उनके पांच सर हैं और उन पांचों मुखारविंद पर एक अद्भुत शांति है, जैसे आनंद और करुणा इंसान के शरीर में अवतरित हों। उनकी आंखें बंद हैं, गोरे चांदी के समान कपूर के रंग के वो हैं, जैसे पवित्रता उन्हीं का अंश मात्र हो। देवों के देव महान ईश्वर वहां ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उस रत्नों से जड़ित आसन में। उनका चरण स्पर्श करें। कमंडल में जो हिमालय का जल आप भर के लाए थे उससे उनका अभिषेक करें, उनके चटाओं में अर्पित करें। अब सफेद चंदन की लकड़ी लें जो पास में ही रखा है, और पत्थर वो भी पास में रखा है। लकड़ी को थोड़ा भिगोए कमंडल में बचे जल से और उसे पत्थर पे गोल गोल खसे। बहुत प्यारी सी सुगंध आ रही है चंदन से। अपने तीन उंगली से उस सफेद चंदन के पेस्ट को जो पत्थर पे लगा है उससे महादेव के माथे पे त्रिपुंड अर्थात तीन लकीरें बनाए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके आराम से, कहीं उनका ध्यान खुल ना जाए। अब चंदन से उनके नीले कंठ पे त्रिपुंड बनाए, ओम नमः शिवाय। अब
अब उनके दाहिने बाहां पे अब उनके बाएं बाहां पे अब उनके दाएं कलाई पे और बाएं कलाई पे और उनके दाएं पैर पे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अब उनके दूसरे पैर पे जो चंदन बचा है उसे अपने ललाट पे लगा ले आपके नजदीक एक सुंदर चादर रखा है नीले रंग का और दिव्य रत्नों से सुशोभित उस चादर को उन्हें पहना दे उससे उनके शरीर को ढक दे अच्छे से सफेद और पीले रंग के ढेर सारे सुगंधित पुष्प हैं वहीं पास में रखे एक थाली में चंपा और चमेली के फूल उन्हें दोनों हाथों से उठाएं और भगवान के चरण कमल पे चढ़ा दें बेलपत्र की टोकरी भी निकट ही है उसमें से एक बेलपत्र को उठाएं जो तीन बेलपत्र का समूह है ये तीन आपके काम क्रोध और मोह हैं इन्हें उनके चरणों पे समर्पित कर दें ये कहते हुए मेरे साथ कहें हे शिव मैं अपने सभी इच्छाओं को अपने क्रोध को और संसार और सांसारिकता के प्रति अपने मोह को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं कृपया मुझे इनसे मुक्त करें दूसरा बिल्व पत्र उठाएं और दोबारा वही कहें हे शिव मैं अपने सभी इच्छाओं को अपने क्रोध को और संसार और सांसारिकता के प्रति अपने मोह को आपके चरणों में समर्पित करता हूं कृपया मुझे इनसे मुक्त करें अर्पित करें तीसरा बेलपत्र उठाएं और वापस वही कहें इस बार स्वयं कहें चौथा बेलपत्र उठाएं वही सब कहना है पांचवा बेलपत्र इस तरह 11 बेलपत्र अर्पित करने हैं
माचिस से एक मिट्टी का दीपक जलाएं। उसमें तेल और बाती डली हुई है। दीपक के पास 3 अगरबत्ती हैं, उन्हें जलाएं और शिव के निकट जमीन में गाड़ दें। पवित्र सुगंध आ रही है अगरबत्ती से, यह आपके मन की पवित्रता की सुगंध है। वह मन जो काम क्रोध और मोह से मुक्त हो चुका है। छत्रम चामर योर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेड़ी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा शाष्टांग प्रणति स्तुतिर बहुविधा हेतत समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहान प्रभो। निस्वार्थ भाव के शीतल छत्री के नीचे भगवान शिव हैं। आपके किसी भी तरह के स्वार्थी इच्छाओं को उन तक पहुंचने ना दें और अपने साफ मन के आईने में उन्हें देखें। वही आपके वास्तविक स्वयं है। अब हम भगवान को संगीत और नृत्य अर्पण करेंगे। शिव को प्रणाम करें और अपने सांसों पे ध्यान को लाएं। अपने पेट पे अवेयरनेस को ले जाए, कैसे वो फूल रहा है और संकुचित हो रहा है। नीमी और गहरी सांस लें। विस्तार और संकुचन। Expansion, contraction, अब अपने ध्यान को नीचे मूलाधार चक्र पे ले आए। रूट चक्र जो आपके रीढ़ के सबसे निचले भाग में है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे। जब आप सांस लेते हैं तो महसूस करें कि सांस नीचे मूलाधार से स्वाधिष्ठान, फिर नाभि के पीछे मणिपुर से होते हुए हृदय के पीछे
अनाहत से होते हुए कंठ के पीछे, विशुद्धि से होते हुए तीसरी आंख से होते हुए बिंदु, जो स्थान पे होता है जहां ब्राह्मण अपनी शिखा रखते हैं, इस बिंदु से होते हुए सर के ऊपर क्राउन चक्र सहस्रार तक जा रहा है, इसे आरोहण कहते हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो सहस्रार से वापस नीचे मूलाधार तक आ रहा है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए इसे अवरोहण कहते हैं। महसूस करें सांसों की इस यात्रा को, अब हम गीत गाएंगे उन ईश्वर के लिए जिन्होंने संगीत की रचना की अपने डमरू से। सारे कामा पाधानी सा, इन स्वर को आप गाएंगे, वर्बली गाएंगे। संकोच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शिव के अलावा कोई नहीं सुन रहा। सात चक्र और बिंदु को इन ध्वनि से जोड़ना है। हर ध्वनि के स्पंदन को आप उसके चक्र पे महसूस करेंगे। पहला राउंड करते हैं, मूलाधार पे ध्यान को ले जाएं, सांस लें। मेरी बांसुरी के धुन पे गाएं, सांस लें। स्टार्ट। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार, सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, हृदय, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। इस बार स्वयं करें।
सांस लें। स्टार्ट। ये धुन आप शिव के लिए गा रहे हैं। फिर से सांस लें। यह नाद योग है। इस तरह आपको अपने अवेयरनेस को रीढ़ की हड्डी से ऊपर और नीचे ले जाना है। प्रत्येक चक्र और बिंदु को स्पर्श करना है। हर स्वर का उच्चारण आपके चक्रों को शुद्ध कर रहा है और जागृत कर रहा है। फिर से करें। सांस लें। सुर के साथ गाएं और चक्रों में स्वर के कंपन को महसूस करें। अब थोड़ी देर शांत रहें। स्पंदन को महसूस करें अपने शरीर में। भगवान शिव जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने आपके संगीत को सुना, उन पे ध्यान पुनः ले जाएं। उनके पांच मुख को देखें जिन पे असीम शांति और आनंद का निवास है। उनके हिरण समान आंखों को देखें। उनकी आंखें खुल रही है। आरती का समय हो गया। Thank you.
माथे को जमीन पे स्पर्श करें। इस बार वास्तव में आपका सिर जमीन पे स्पर्श होगा। महसूस करें जमीन के ठंडक को अपने माथे पे और कल्पना करें कि महादेव आपके सामने हैं। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो उसे मांग लें। आप जो भी मांगना चाहते हो दो तीन बार मांगे। महसूस करें कि आपके सर पे किसी ने हाथ रखा है। ऐसा स्पर्श आपने कभी अनुभव नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे आनंद आपके अंदर भर गया हो। एक असीम शांति, एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा है आपको। जीवन के हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो चुके हैं आप। अब सर उठाएं। महादेव अंतर ध्यान हो चुके हैं। आसन खाली है। सब कुछ को आप भूल जाएं और अपने ध्यान को शरीर पे लाएं। अपने आसपास से जो भी आवाजें सुनाई दे रही है उन्हें सुने। जिस चीज पे भी आप बैठे हैं उस पे अपने शरीर के भार को महसूस करें। एक गहरी सांस लें और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख करें और बंद आंखों के ऊपर रखें। अब मेरे साथ गाएं। आत्मा तम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तखिलं शंभो तवाराधनम्। अर्थात मेरी आत्मा, मेरा वास्तविक स्वयं आप हैं शिव और मेरी बुद्धि माँ पार्वती है। मेरा प्राण आपका दास है और शरीर आपका घर शिवालय है। जो भी मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, कहता हूँ वह सब आपकी पूजा है और मेरी निद्रा समाधि की अवस्था है। जहाँ भी मैं अपने पैरों से जाता हूँ वो आपकी प्रदक्षिणा है और जो भी कहता हूँ वो आपकी स्तुति है
और हे शंभु, हर काम जो मैं करता हूं वो आपकी आराधना है। धीरे धीरे प्रेम पूर्वक अपनी आंखें खोले, ध्यास पूर्ण हुआ।